क्या रेगुलेटरी चेंजेस वी आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर COVID-19, क्या ऐसे चीजें हमारे लाइफ में चेंज होने जा रही हैं? अगर हम एजुकेशन सिस्टम के एस्पेक्ट से पूछें, क्या क्या ऐसे रेगुलेशंस आएंगे, क्या हमारा चेंज आएगा और कितना वो जॉब ओरिएंटेड होगा? ये सर, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, तो मैं आपसे ये सवाल रखना चाहती हूँ। रीमा जी, देखिए, रेगुलेटरी चेंज, रेगुलेटरी बॉडीज काफ़ी मेजर चेंजेस करेंगी, इसके बारे में मैं आपको विस्तार में तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये हर क्षेत्र में अलग अलग होंगे। इंडस्ट्री के क्षेत्र में जैसे टाइमिंग चेंज कर दिए सरकार ने, लेडीज को अलाउ कर दिया, वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दिया, उसके बाद आपको ये मैंडेट कर दिया कि गाड़ी के अंदर आप 3 जने जा पाएंगे, 2 जने जा पाएंगे, आपको मास्क लगाना जरूरी है, आपको सैनिटाइज करना जरूरी है, तो आपका टाइमिंग सुबह रात के 9 से सुबह 5 बजे तक आपको कर्फ्यू लगा रहेगा। मतलब इस तरह के कई रेगुलेटरी चेंजेज आएंगे, परंतु एजुकेशन सिस्टम में जो मेजर रेगुलेटरी चेंजेज आएंगे, जो मैं सोच सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सरकार का ऐसा सोच है, कि मेरा पर्सनल सोच है कि आने वाले समय में जो मेजर रेगुलेटरी चेंजेज एजुकेशन सिस्टम में आएंगे, उनमें पहला ये चेंज आएगा कि बेसिकली एजुकेशन का कुछ कंपोनेंट हर जगह ऑनलाइन किया जाएगा, चाहे वो 30% हो, चाहे 40% हो, चाहे 50% हो। जैसे अभी यूनिवर्सिटीज के में शायद 30% ऑनलाइन कोर्सेज अलाउड है, हो सकता है आने वाले समय में आपको जो कोर्सेज होंगे वो 50% ऑनलाइन डिलीवर किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो विद्यार्थी किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, उनको कम से कम ऑनलाइन एजुकेशन के कंसेप्ट्स आने चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाता है, कैसे हम वेबिनार में यूज करते हैं, हम कैसे वेबिनार के टूल्स को यूज कर सकते हैं, ये एक पहली चीज है। दूसरा, क्या जो कंसेप्ट चेंज होने वाला है कि कोर्स करिकुलम का कंसेप्ट जो है वो भी ऐसा लगता है कि करिकुलम को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एंड दैट इज फिजिकल कोर्स करिकुलम एंड ई कोर्स करिकुलम। व्हाट आई मीन, क्योंकि कुछ चीजें तो आपको फिजिकली पढ़ानी पड़ेंगी, जैसे या साइंस के आधे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपका कोर्स करिकुलम भी ई कोर्स करिकुलम एंड फिजिकल कोर्स करिकुलम इस तरह डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको बेसिकली ये करना पड़ेगा कि जो कोर्स करिकुलम बनेंगे अब, वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में हम कई चीजें अंदर इंटरनली बच्चों में नहीं कर पाएंगे, और जो टॉपिक्स हैं और जो आपके हैं उसके अंदर एक सरकार का ये सोच रहेगा, जहां तक मैं सोचता हूं, कि सैनिटरी और हाइजीनिक एक कोर्स डिजाइन करके हर कोर्स क्लास के लिए, हर डिग्री के लिए बिल्ट इन किया जाएगा। मतलब कि हर युवा को, हर आम नागरिक को सैनिटरी और हाइजीनिक एक्टिविटीज क्या होती है, किस तरह इनको हैंडल किया जाता है, किस तरह से इनसे केयर की जाती है, इस तरह का हो सकता है कोई कोर्स करिकुलम इसमें आ जाए, और साथ में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए रियल लाइफ प्रॉब्लम कोर्स करिकुलम में ज्यादा प्लग इन किया जाएगा, रदर देन थ्योरेटिकल बातें ऐसा करो वैसा करो, इससे नहीं चलेगा। और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि जो हमारे असेसमेंट्स होंगे, हमारे जो एग्जाम्स होंगे, वो ऑनलाइन होंगे, और ये भी पॉसिबल हो सकता है, जो मेरा एक सोच है, जो मैं बार बार सबसे कह रहा हूं, कि ऐसा भी हो सकता है कि हम कोर्स करिकुलम में जो रेगुलेटरी बॉडी चेंज करेंगी, उसके अंदर हम एक तरह का कंसेप्ट रखेंगे कि 6 घंटे प्रैक्टिकल इसके होंगे, 6 घंटे दूसरे सेक्शन के होंगे, 6 घंटे तीसरे सेक्शन के होंगे, और आपकी थ्योरी चलती रहेगी। कहने का मतलब कि आने वाले समय में ये रेगुलेटरी बॉडीज डेफिनेटली चेंज करेंगी। जैसे आपने अभी सुना हो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने करीब 10-12 दिन पहले ही एक ऑर्डर निकाल के एक डायरेक्शन दिए हैं कि आगे से जो भी कोई इंस्पेक्शन होगा वो बेसिकली ऑनलाइन होगा। इसका मतलब जो पहले वो लोग फिजिकल इंस्पेक्शन होता था, टीम आती थी, ठहरती थी, डॉक्यूमेंट चेक करती थी, अब वो मानसिकता धीरे धीरे AICTE के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन साहब हैं, उनका भी थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव, बहुत क्रिएटिव है एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, पुनिया साहब का और शरद बुद्धे साहब का, तो उनका भी ये सोच है कि जो इंस्पेक्शन हों आज की तारीख में कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो ऑनलाइन होना चाहिए। और हो सकता है, बड़ी बात नहीं है कि UGC भी इस तरह की गाइडलाइन निकाल दे कि साहब
कोविड के कारण या ऐसी स्थिति में जो इंस्पेक्शन होंगे ऑनलाइन होंगे. कहने का मतलब मेरा यही है कि इस तरह के रेगुलेटरी चेंजेज आएंगे और एक जो मेजर चेंज आएगा कि जो सब्जेक्ट टीचर हो उसको सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने की क्षमता कितनी है इसकी एक उसकी मेजरमेंट होगा. उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या उसका टेस्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल आप यदि मैनेजमेंट का कोई टीचर अपॉइंट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट की नॉलेज के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी को कितना अडेप्ट कर सकता है ये एक बहुत बड़ा मेरा थॉट है कि रेगुलेटरी बॉडीज को सोच के चेंज करना पड़ेगा.